हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे बना के आप अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या फिर शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। इसे बनाने में बहुत ही कम तेल का यूज होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाना। आलू का झटपट नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं। इसका छिलका निकाल लिया है मैंने। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है, इसे हम ग्रेट करेंगे। आप कोई भी ग्रेटर यूज कर सकते हैं। तो इसे ऐसे ही सारे आलू को हम अच्छे से घिसेंगे। आलू को घिसने के बाद हम इसे अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो भी स्टार्च हो निकल जाए। आलू को वॉश करने के बाद इसके बचे हुए पानी को हम फेंक देंगे, इसका कोई यूज नहीं है। अब हम इसमें पानी डाल के इसे 10 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे ताकि इसमें जो भी स्टार्च हो वो निकल जाए। 10 मिनट के बाद हम आलू के सारे पानी को निचोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे सूती कपड़े में छान के भी निचोड़ सकते हैं सारे पानी को, या फिर ऐसे हाथ से भी निचोड़ सकते हैं। मैं ऐसे हाथ से निचोड़ रही हूँ इसको। तो ऐसे ही इसके सारे पानी को निचोड़ लेना है, आलू में पानी नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आलू का पूरा पानी निचोड़ लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये मैंने बेसन लिया है, इसमें हम 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं या फिर अंडा भी डाल सकते हैं अगर आप नॉनवेज हैं तो। 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 स्पून हम गरम मसाला ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें मैगी का टेस्ट मेकर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। तो ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे ये बाइंड हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए, ये बाइंड हो जा रहा है। अगर बाइंड ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे बेसन को गीला नहीं करना है। मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब हम टिक्की बना लेंगे। तो टिक्की बनाने के लिए हम तवे पे तेल डाल देंगे, इसे स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। टिक्की को हम तवे पे ही सेप देंगे। तो एक टिक्की डाल देंगे और स्पून की मदद से हम इसे फैला देंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप टिक्की का दे सकते हैं। ये मैंने एक डाल दिया है, अब दूसरा हम डाल देंगे। इसे भी हम स्पून की मदद से चारों तरफ फैला देंगे। आप चाहे तो मिक्सचर में थोड़ा सा और पानी डाल के इसका चीला भी बना सकते हैं। तो आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं। इसी प्रोसेस से हमें सारे टिक्की को बना लेना है। टिक्की को हमें मीडियम फ्लेम में पकने देना है। आप अगर कुरकुरा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे हाई फ्लेम में बना सकते हैं। टिक्की एक तरफ पक चुका है, अब हम इसे स्पून की मदद से पलट देंगे। तो पूरे टिक्की को हमें पलट देना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने के स्टेज तक पकाना है। इसे हम दूसरी तरफ पका लेंगे। अब आलू का टिक्की दूसरी तरफ भी पक चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये आलू का टिक्की रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये आलू कटलेट रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये कोई भी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो और घर में सामान कम हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन जरूर पहुँचें।